गाइस आज की वीडियो फेयरनेस क्रीम के ऊपर होने वाली, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कोई ऐसी फेयरनेस क्रीम बताए जो कि हम उसको डेली यूज में ले सके। तो गाइस आज की वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रोजेना फाइन फेयरनेस क्रीम के बारे में, इसको कैसे यूज़ में लेना है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, कितने की आती है, कहाँ से खरीदने, तो गाइस कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर प्लीज़ एंड तक देखें। तथा आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आपको नीचे की साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है ताकि आप हमसे जुड़ जाओ। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो घंटी आती है उसको भी याद रख के दबा देना है ताकि मैं कोई भी नहीं वो डालू उसका आपको तुरंत पता लग जाए। गाइस इस क्रीम के बारे में बात की जाए तो गाइस इस क्रीम का नाम है न्यूट्रोजेना फाइन फेयरनेस क्रीम। तो गाइस अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, क्योंकि घुमा फिरा के बात वही पे आती है कि कौन से इंग्रेडिएंट यूज में लगे कौन से नहीं। तो गाइस इसमें दो तरह के इंग्रेडिएंट यूज में लगे, जो कि एक प्रकार के केमिकल और दूसरे हर्बल। तो गाइस इसमें जितने भी केमिकल यूज में लगे जो कि आपके स्किन के लिए सेफ है, जिसका स्किन के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो आप इसको इजीली यूज में ले सकते हो। तो गाइस इसकी प्राइस की बात की जाए तो गाइस आपको 50 ग्राम का दूध पैकेट आपको 278 रुपये के आसपास इसमें मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक है, सभी के बजट में है। आप इसे ऑफलाइन भी बाय कर सकते हो, मिले तो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी सारी लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हो। गाइस अगर आपकी भी स्किन इवेंट हो रही है, आपका स्किन का कंपोजिशन बिगड़ गया है, आपके स्किन पर छोटी मोटी डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, तो आप स्किन को ट्राई कर सकते हो। और गाइस एक फेयरनेस क्रीम है, ना ही कोई स्किन वाइटिंग क्रीम है। अगर आप इसको ओनली स्किन वाइटिंग के पर्पज से यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल भी यूज ना करें। गाइस ये ना ही आपकी स्किन को गोरा करती है, ना ही आपकी स्किन को फेयर करती है। गाइस ये एक प्रकार की नॉर्मल फेयरनेस क्रीम है जो कि आपको डेली यूज में लेनी चाहिए। गाइस आपको पता होगा काफी सारे लोग नॉर्मल फेयरनेस क्रीम यूज में लेते हैं, बट गाइस उसमें किसी भी तरह का कोई भी एसपीएफ नहीं होता है। तो गाइस आप देख सकते हो इस क्रीम में 20% एसपीएफ यूज में लेगा, जो कि आपके लिए काफी सही है। अगर आप इसको दिन में लगा के जाते हो धूप में, तो ये आपके स्किन को काला नहीं पड़ने देगी, आपके स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। मतलब जो सूर्य जो अल्ट्रावायलेट किरणें रहती है वो आपके स्किन को डैमेज कर देती है, लेकिन आप इस क्रीम को यूज करोगे और धूप में जाओगे तो आपके स्किन को ये क्रीम बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने देगी। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल इसमें ले सकते हो। और गाइस इस क्रीम की खास बात है कि ये जो क्रीम है गाइस डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड क्रीम है, इस पर आप 100% भरोसा कर सकते हो। गाइस आपको पता होगा मार्केट में काफ़ी सारी फेयरनेस क्रीम आती है, बट वो उतनी अच्छी नहीं होती है, जितना आपको रिजल्ट नहीं दे पाती, लेकिन गाइस ये जो क्रीम आप अगर डेली यूज करोगे तो आपकी स्किन से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। गाइस अगर आप इस क्रीम को ऑनलाइन बाय करना चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी सारी लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन लाइन। ओके बाय।